हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था कि बुलियन अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको दिया था, कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है एंड कैसे बिल्डअप करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, है ना। तो वो सारे चीजों को मैंने, सारे जो पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, उसमें जो भी डॉट रहा होगा तब हमें कमेंट करना, जनरली आप कमेंट करना, ओके ना, मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगा। अब देखो, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ा था, जैसे डोंट केयर वाला पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया था। केमैप में एक अंदर डोंट केयर का कंडीशन आता है, तो मैंने उसको छोड़ा था, क्यों? क्योंकि वो जो है ना, उसको मैं बेसिकली प्रैक्टिकल वे में आपको विजुअलाइज कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको सोचा कि मैं उसको क्वेश्चंस में ऐड करूंगा। भाई जो मैंने एमसीक्यू का सीरीज ये लाया हूँ ना, ये इसमें मैं उसको ऐड किया हूँ, तो इसमें मैं उस चीज को समझा दूंगा अच्छे से, ओके ना। तो ओवरऑल हमारा ये कहने का एम हुआ कि मैंने बुलियन अलजेब्रा को वन वीडियो में कम्प्लीट किया, देन उसका एमसीक्यूज क्यों लाया। अब देखो, बेसिकली एमसीक्यूज क्यों लाते हैं हम, है ना। जैसे आप देख रहे हो कि एक चैप्टर को एंड करता हूँ, देन उसका एमसीक्यूज लेकर आ जाता हूँ। तो मैं एमसीक्यू इसलिए ला रहा हूँ, देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक, एक मतलब माइंड में मेंटली आप सेट हो जाओगे कि अच्छा क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरीके से करता है इस चैप्टर से, ओके ना। एंड क्वेश्चन का लेवल जो होता है, जेई लेवल का एंड एई लेवल का, ये लेवल होता है क्वेश्चन का। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आप जब कभी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए बैठोगे ना, मान लो सपोज आपने एक बुक उठाया, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप किसी बुक को उठाओ एंड बुलियन अलजेब्रा चैप्टर खोलना, वहां से आप अपना जब एमसीक्यूज को लगाओ, ठीक है ना, जब आप एमसीक्यूज को लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक, तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स तो मुझे सर ने बताया था, तो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैंने एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल लिया। अब उसी को एक्सपैंड करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो जैसे देखो, मैं जो एग्जाम मैं मानता हूँ ना, मैं सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ जेबी गुप्ता का। अगर जेबी गुप्ता अगर आपको रिफर करना हो तो रिफर कर लो, वो बेटर है ना, उसके लिए एक नंबर है ये, कभी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए जेबी गुप्ता दो, क्योंकि उसमें आपको बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव कराया गया है, ओके। तो कभी भी आप बेसिक टू एडवांस पढ़ना रहेगा तो आप जेबी गुप्ता को उठाओ, वहां से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखना कि क्वेश्चंस आपका बनेगा वहां से। आपने जो थ्योरी पढ़ा ना, कोई भी सब्जेक्ट कर ले लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कुछ भी लो, आप उसको जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो आपको मैंने क्या बताया, कंक्लूड क्या किया कि आपको बेसिकली इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व कराएंगे, ओके। चलो फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्या है, एक तरह का ओवरव्यू मैंने क्वेश्चन लिया है, ओके। ऐसा नहीं कि ये जो मैंने बताया ये समझ लो कि ये पूरा एट लास्ट यही है, आपको इतना ही पढ़ के कहीं जाना है एग्जाम देने के, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू सेट कर रहा हूँ कि हाँ देखो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग ऐसा होगा एंड इस तरीके से आपने को पढ़ना है, एंड सॉल्व करने का तरीका ये होगा, आपको कैसे हिट करना है क्वेश्चंस को, किस वे में बनाना होगा, ओके। तो ये आपका मेथड है, मैंने मेथडोलॉजी आपको सॉल्व करने के लिए बताया, ओके। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बोल रहा था बुलियन फंक्शन ए बी प्लस ए सी इज इक्वेलेंट टू, जो ए बी एंड ए सी है ना, ये किसके इक्वेलेंट है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, देखो आपके पास बहुत सारे अप्रोच करने का तरीका है, आप क्वेश्चंस को देखने के बाद उसके अप्रोच करने का तरीका भी बता सकते हो। ये बोल रहा है कि जो ए बी प्लस ए सी है ना, वो किसके इक्वेलेंट है। देखो मैं अप्रोच करने के लिए बता रहा हूँ आपको, आंसर को देखना है भी है, साथ साथ में आपके माइंड में इसका सोल्यूशन भी आना चाहिए कि हाँ मुझे करना क्या है। तो ये पूछा इक्वेलेंट, ए बी एंड ए सी के इक्वेलेंट क्या होगा, इसने मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं बोला, इसने बोला इक्विवेलेंट बताओ कि मैं इस इन चार ऑप्शंस में से किसको मैं ए बी प्लस ए सी कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन बोला। तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन सभी को, चारों को सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, है ना, आपके पास ऑप्शन है कि सभी को रिड्यूस करो, फुल्ली रिड्यूस करो, देखो तो ए बी प्लस ए सी आता है कि नहीं आता, पहला मेथड आपके पास ये अप्रोच करने का तरीका। तो अगर चारों को बैठेंगे करने सॉल्व करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं आप चाहोगे तो फटफट करके कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं करूँ कि इस क्वेश्चन को लेकर इसी को एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि ये सारा कहीं ना कहीं एक्सपेंशन फॉर्म ही है ना, एक्सपेंशन फॉर्म ही किया, एक्सपेंड किया गया है। देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म दे रखा, सभी में देखो तीन टर्म है ना, सभी में तीन टर्म है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करने का तरीका नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ओके। मैं आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सॉल्व कैसे करना, मैं वो बता रहा हूँ, ओके। आप एक बार माइंड में सेट करो, उसके बाद बन जाएगा ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या ए बी प्लस ए सी, इसको क्या करते हैं, इसको अगर एक्सपैंड करना चाहें, एक्सपैंड मीन्स क्या, इसका कॉनिकल फॉर्म थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन ने क्या लिख रखा है कि ए बी प्लस ऑफ ए सी, है ना। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, तो तीन वेरिएबल्स है, ए बी एंड सी, है ना, तीन वेरिएबल्स यहाँ पर है, ए बी एंड सी तीन वेरिएबल्स है। तो हमारा एम क्या होता है कि कॉनिकल फॉर्म आपको मैंने जब बताया था, मैंने बोला था कि हमारा एम क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स हो ना, वहां पर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहला देखो, पहला टर्म में ए बी है,
एंड सी नहीं है, सेकंड टर्म में ए एंड सी है, बी नहीं है, तो मुझे इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे अपियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपियर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वन से देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं जाऊंगा डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से उसको डायरेक्टली हिट करूंगा, ओके ना। तो ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, सी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता था कि वन से मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, ओके। तो ए बी एंड डॉट ऑफ वन किया, मैंने वन से मल्टीप्लाई किया प्लस ऑफ ए, बी नहीं है तो बी से वन मतलब मल्टीप्लाई कर दो एंड सी, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना। मान लो सपोज अब मैंने एक रूल्स बताया था कि मान लो ए को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू वन डेट्स को ए होता था, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी भी नंबर्स को, किसी भी लॉजिक नंबर को मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर ही रिप्रेजेंट होता है, ऐसा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके ना। अब इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन को लिख सकता हूँ मैं, इस वन को अगर मैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो हमारा वन ही आता है। ये आपको लॉजिक याद है कुछ, ये लॉजिक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए देखो आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैं चाहता था इसको देखता यहाँ पे आंसर को हिट करता डायरेक्टली, मैं यहाँ पे रफ भी नहीं करता, ओके, लेकिन आपको अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या सी नहीं है, तो मैं सी को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, तो ए बी एंड सी इस वन की जगह पे मैं क्या कर दू, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कर दू प्लस ऑफ ए, एंड यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी की जगह पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके ना, एंड डॉट सी। देखो अब ये दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ओके ना। चलो इस तरीके से होगी, अब सभी को क्या करो ओपन करो, है ना। देखो मैं अभी लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, ओके, ये लॉन्ग मेथड है लेकिन मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करो कि देन इसे करो, ठीक है ना, सिमिलरली इसे, सिमिलरली इसे करो, ओके, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ऑफ ए बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी प्लस ऑफ ए बी एंड सी, ये बाहर वाला रहेगा, एंड प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ओके ना। अब देखो होता क्या है ना कि सपोज कर लो कि अगर ए प्लस ए लिखा मैंने, दैट्स फॉर ए ही रिजल्ट आएगा, या सेम नंबर दो दो बार रिपीट हो रहा है या तीन बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो सेम नंबर एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पहला ए बी सी एंड सिमिलरली ए बी सी यहाँ पर भी है, ओके, तो मैं इन सभी को एक जगह कर दूं मतलब एक सिंगल लिख दूं, तो ये हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, ए बी सी प्लस ऑफ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ओके ना। तो देखो तो हमारा ये आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या, ए बी सी एंड फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड देन फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ओके ना, सॉरी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ऐसा क्वेश्चंस कहीं पे मैच कर रहा है क्या, इसी को देखना है। ऑप्शन नंबर फोर देखो ये मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर फोर हमारा ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर हो जाएगा, ओके ना, ए बी सी एंड ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ओके ना। तो देखो किस तरीके से मैंने एक्सपेंड करके इस चीज को लेकर आया, तो आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सिंपली देखना है कि क्या क्वेश्चन है एंड आंसर का ऑप्शन क्या क्या है। अगर ऑप्शन से आपने हिट कर लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना है, तो बन जाएगा, ओके ना। चलो अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करके चलते हैं, जैसे आपके पास शॉर्टकट भी मेथड था, बहुत सारे मेथड था, जैसे यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पर सी नहीं है, तो कहने की सी कॉम्प्लीमेंट अपने पास आएगा, तो सी कॉम्प्लीमेंट एक तो रहेगा रहेगा, चलो एक तो सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तो नहीं हो, तीनों साथ में होना चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो कभी नहीं होगा, ओके ना, सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है तो ये भी हो सकता है, ओके ना, बाकी ये सब नहीं होगा, लेकिन दो दो सी कॉम्प्लीमेंट तो ये भी नहीं होगा, ओके ना, एंड इस यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है तो मैं डायरेक्टली एक बार में हिट कर देता, ये आंसर हो जाता। आप क्या अप्रोच, आप जैसे अप्रोच करो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर एसी को लेकर चल सकते हैं, एसी से भी सॉल्व कर सकते थे, ओके ना, तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपसे कोई मेथड नहीं पूछ रहा है कि आपने किस मेथड से बनाया, आपको कैसे मेथड से बनाना है, ओके ना, आपको कहीं मेंशन भी नहीं करने वाला, ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आप चाहो तो देखो बनाने का क्वेश्चन मेथड अलग अलग हो सकता है सभी का, लेकिन आंसर सभी का सेम आना चाहिए, ओके ना। और मतलब मेथड बेस्ट वही मेथड बेस्ट होता है जो कम समय में आपको रिजल्ट ला के दे दे, है ना, और बंदा वही सही होता है जो एक समय में मतलब कम समय में जाके वो रिजल्ट फट सा लेकर आज हिट कर जाए, ओके। चलो चलता हूँ इस क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन है और इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आपको क्या दिखेगा, आपको सिंप्लीफाई करना, कहने की इसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है ना, क्योंकि सभी आंसर जो दे रहे हैं वो वन वन में वन टर्म में दे रखे हैं, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड ए बी सी, तो यहाँ पर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिड्यूस करना, तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इसका बनाने का मेथड केमैप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी केमैप के पास नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जो एक लाइन में बन जाता है उसको मैं केमैप पे क्यों केमैप ड्रा करूँ, उसके बाद ब्लॉक्स बनाऊँ, ब्लॉक्स बनाने के बाद उसमें इंटर करूँ, फिर ग्रुपिंग करूँ, उतना टाइम नहीं दूंगा ना मैं। अगर ये एक लाइन में एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा तो मैं डायरेक्टली क्यों उतना केमैप बनाना चाहूँ, ओके ना। देखो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि आप केमैप के थ्रू बनाओगे या नॉर्मली एक्सप्रेशन से बनाओगे, आपका मन करे बनाओ, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, लेकिन कहाँ पे कम समय लग रहा है आपको वहां पे हिट करना है, ओके। तो ये कहाँ से हिट करेंगे, तो ये अगर लीनियर एक्सप्रेशन से हिट करेंगे ना, जो अलजेब्रा वाला फॉर्मेशन है, तो वहां से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फट से बन जाएगा। अब देखो मुझे कॉमन क्या लेना है,
अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर सपोज ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लूँ, है ना, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लूँ, तो बचेगा क्या, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अब आपको पता है कि मान लो सपोज कोई ए है एंड ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या रिजल्ट आता है, वन रिजल्ट आता है ना, सिंपली आपको पता है ना, बस ये तो करना। तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता था लेकिन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ओके ना। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लो, यहाँ पर से क्या आएगा कॉमन, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लोगे तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, एंड सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, वन बन जाता है। ओके तो अपने पास क्या बच रहा है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाके लिखता एंड डायरेक्टली हिट करता ऑप्शन नंबर फोर। ओके तो ये तीन स्टेप ना चाहते कि आप ज्यादा कोशिश करो, देखो ये सब जो है ना प्रैक्टिस से आएगा, ओके ना, ये एक टाइम पे एक बार बनाओगे क्वेश्चंस को तो नहीं आएगा, एक क्वेश्चन को 10 मरतबा बनाओगे, 10 टाइम्स बनाओगे तभी आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइंड में जा रहा है, सभी को थॉट्स जा रहा है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक आपके माइंड में वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। जैसे आप कभी भी, आपने कभी बीटेक किया, डिप्लोमा किया, कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, इंजीनियरिंग किया होगा, तो जब कभी भी आप इंजीनियरिंग करते हो ना तो वहां पे एक प्रैक्टिकल का सेक्शन अलग होता है, एक अलग से प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो माइंड में एक्चुअली सेटल नहीं हो पाता उतना जल्दी। तो जब आप उसका प्रैक्टिकल व्यू देखोगे ना, प्रैक्टिकल वाले एंगल को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो है ना कुछ यहाँ पर ऐसा यूज होता है। तो किसी भी चीज को जिसे आपके भी बच्चों को पढ़ाना रहेगा तो बच्चों को जो बोल कर जो सिखाया जाता है ना, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली व्यू दिखाओगे, जिसे उसको करके दिखाओगे, वो ज्यादा बच्चा सीखता है। इसलिए आजकल प्ले स्कूल वगैरह खुलता है, इससे आजकल प्ले स्कूल क्यों खुल रहा है, ये तो रीजन है ना कि प्रैक्टिकल उसको दिखाया जा रहा है सभी कुछ, कि हाँ देखो इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, ये हमारे बैठने का तरीका होना चाहिए। ओके तो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ओके चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने चूज किया, ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा कि आया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि ए टू द पावर लॉग ए लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसका आंसर पूछ रहा है। अगर आपको लॉग वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, जैसे आप लॉग वाले फॉर्मुलेस को कैसे सॉल्व करते हो, जो लॉग वाला क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स, आपने कभी ना पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो आपने लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना तो आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे। ओके तो अगर लॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक मतलब एक तरह का रिव्यू दे दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मान लो सपोज कर लो कि आपके पास एक वैल्यू, मान लो एक्स इज इक्वल टू, जैसे इसी बेस पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी बेस पे मैं बना दे रहा हूँ, मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जो ए टू द पावर समथिंग है, इट्स कॉल्ड ए टू द पावर समथिंग जो है ना लॉग ए, वो है ना, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग बेस ए एन, ओके ना, ये अपने पास मैंने ए मान दिया। अब जब कभी भी आपने लॉग वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जब ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है ना, तो ये क्या होता है कि अपना ये जो बेस होता है ना, बेस अपना ये बेस बन जाता है, और जो उसके सामने रिजल्ट होता है वो उसका पावर बन जाता है, इज इक्वल टू हमारा एन हो जाएगा। ओके ना, ये एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो भी लॉग के नीचे बेस होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का बेस बन जाएगा, एंड जो भी उस लॉग वाले होल का जो रिजल्ट आएगा है ना, जो लॉग वाले होल का रिजल्ट आ रहा है वो हमारा पावर बन जाएगा, एंड जो लॉग समथिंग दे रखा था, जैसे लॉग एन था ना, तो एन हमारा उसके इक्वल टू हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझा दूं थोड़ा सा, जैसे चलो आगे उसके बेसिस पे, इसके आगे क्वेश्चन दे रखा है उसके बेसिस पे समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर इसका इसका आंसर क्या होगा ये देखता हूँ। इसने क्या हुआ, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स हो गया, है ना, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकला। तो अगर ये कॉन्सेप्ट निकला तो मुझे क्या करना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर तो ए था, एंड मैंने इस चीज को मैंने क्या कंसिडर किया कि हमारा एक्स है ना, तो एक्स हो गया, इन ए टू पावर एक्स मीन्स क्या हो गया, यहाँ से इसको टैली कर दिया मतलब एन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन को देखो कितना इजी क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन, आपको अगर लॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ गया होगा। ओके तो आपको हर एंगल से आपको प्रिपेयर होके जाना है मेंटली, आपको तो हर एंगल से प्रिपेयर होना है। इसलिए मैंने देखो हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, ताकि आपको ना समझ में आए कि हाँ देखो इतना ही नहीं मुझे पढ़ना है, इसके अलावा भी मुझे कुछ पढ़ना है। मैं इसलिए अलग अलग एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ नया क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ सकूँ मैं कि हाँ देखो ये प्रॉब्लम्स है एंड आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसी के बेस पे एक एग्जांपल और लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ 16 लॉग 2, 16 टू पावर लॉग 2 3, इन लॉग बेस 2 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ए की जगह पर 16 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, 16 लॉग लॉग 2 एंड 3, है ना, ये वैल्यूज दे रखा है। बेसिकली क्या काम कर रहे थे, जो भी पावर था ना, जिस 16 पे पावर समथिंग है ना, जैसे ये पावर है ना 16 पे पावर समथिंग, मैंने उसको एक्स मान लिया, तो उसको मान लो एक्स, तुम थोड़ा देर के लिए कुछ समय के लिए मानो एक्स, तो मैंने क्या माना, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग
बेस टू थ्री, ये हो गया। अब क्या होता था कि अगर ये ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा तो हमारे पास क्या एम होता है कि जो भी लॉग के नीचे बेस रहेगा उसको ये बनाना, एक नंबर बनाना, और उसके ऊपर मुझे पावर देना। पावर कौन सा देंगे, जो भी इस लॉग का पूरा वैल्यूज कहलाएगा। हमारा एक्स कहलाएगा तो एक्स हमारा ये हो गया, एंड इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, जो लॉग थ्री है ना यहाँ पर, लॉग थ्री, तो थ्री हमारा ये हो जाएगा, ओके ना। ये टू टू दावर एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा, ओके ना। यानी एक मैंने नंबर्स नहीं, मतलब लॉग को नॉर्मली वैल्यूज में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है कि लॉग को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज में, ओके ना। जब कभी आप लॉग टेबल खोलोगे ना तो लॉग टेबल इसी तरीके से सॉल्व होता है, ओके। आपने कभी ना कभी 10 11 12 में आपने पढ़ा होगा, या इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ओके। तो टू टू पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री हो गया, तो बट यहाँ पर तो टू टू पावर एक्स है नहीं, यहाँ पर तो 16 है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको 16 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके ना। समझो लॉजिक, समझो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर ये ऐसा है तो सपोज कर लो, अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे 16 है, 2 पावर 4 हो गया, है ना, 2 पावर 4 हो गया, ओके ना, ये 2 पावर 4 हो गया। अब सपोज कर लो, अब ये 2 इससे मैच करेगा तो क्या निकलेगा हमारे पास, 4x हो जाएगा, ओके ना। समझो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, लॉजिक समझो उसके बाद समझ में आ जाएगा, ओके। मैं ना इस चीज को एक थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं, इसको अभी स्टॉप करो या फिर इसको यहीं पे भी रहने दो, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। ये सपोज कर लो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो सपोज 2 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 है, मैं एक्स का वैल्यू ना 1/2 रख दिया, तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक्स और वाई लेके चल रहा हूँ ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये ऐसा है, मुझे इस पावर को उस साइड शिफ्ट करना है, एग्जाम्पल समझो, अगर मुझे इस पावर को उस साइड शिफ्ट करना तो मैं क्या करूंगा, ये जो पावर उधर जाएगा तो उलट जाता है ना, उल्टा है ना भाई, आपको समझ में याद आ रहा है कुछ। जैसे मैं भी दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 2 हो जाएगा, एक एग्जाम्पल समझो। नहीं तो एक एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे मान लो सपोज कर लो कि ये 2 पावर स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 3 है। मैं देखो ये इक्वल होता नहीं है, मैं इसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, है ना, ये सब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत मानना कि इक्वल होता है, ओके। मैं एग्जाम्पल तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पावर को शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे 2 पावर 2 है इज इक्वल टू 3 है, मुझे इस 2 को ना इधर शिफ्ट करना है, मुझे इस 2 को इधर शिफ्ट करना है, तो जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या इधर अंडर रूट हो जाता है ना, याद है तुमको, कुछ याद आया, यही तो काम करते हैं ना। जैसे सपोज कर लो अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, मान लो सपोज 2 रहेगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसा करता है ना, सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे समझो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, इसी चीज को यूटिलाइज मुझे यहाँ पे करना, तो इस चीज को थोड़ा सा इरेज करो, चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके ना। 2 पावर 4 हो गया, तो अगर ये 4, मैं तो इस 16 को मैं 2 पावर 4x कह सकता हूँ, या फिर सपोज रहे तो इसी को रहे, 2 पावर x को मैं 2 पावर 4x कह सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पावर, पहले तो x था तो x का ले जाएगा नीचे, है ना, इस तरीके से कह सकता हूँ मैं। यानी इस नंबर को मैं ऐसा कह सकता हूँ, सिमिलरली वही है जो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई को छोड़ दिया, एंड जो पहले से पावर्स था, पावर्स को मैंने क्या किया ना, नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया, या फिर उसे एक स्टेप और में समझो, एक स्टेप और में समझो, कैसे समझोगे, देखो मैं ना इसको अलग से समझा रहा हूँ, इसको कट करो, ऐसे समझो 2 पावर x है ना, ओके, इज इक्वल टू 3। तो अगर मुझे 2 का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या होगा, 3 अपॉन 1 अपॉन x हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा। अब मुझे 2 पावर 4 का वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 अपॉन x, है ना, 3 पावर 4 अपॉन x होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो अब मुझे एक्चुअल वैल्यूज पे चलते हैं, क्या लिखना है मुझे, अब जैसे क्वेश्चन पे चलोगे ना, क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या है, 16 log base 2 3। तो ये अपना हो जाएगा 16 को मैं 2 पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना, एंड लॉग बेस 2 एंड 3, ये हो गया। उसके बाद इस 2 पावर 4 को मैं क्या कह रहा हूँ, 3 पावर 4 अपॉन x, है ना, 3 पावर 4 अपॉन x मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मैंने इसको क्या माना था, मैंने इसको एक्स माना था, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 पावर 4। जो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो देखो, 3 पावर 4 में कितना होता है, 981, यानी कि ऑप्शन नंबर 81 आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ पे नंबर दे रहा था, है ना, तो नंबर के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। समझो क्वेश्चन को, समझो कि मैंने कैसे बनाया, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, वरना दिक्कत होगा, कहीं भी क्वेश्चन को दिक्कत कर लोगे। होता है क्या है बेसिकली, मान लो सपोज कर लो कि 2 पावर x इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या करता है कि ये जो पावर होता है ना, वो इसके यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 अपॉन x हो जाएगा, ये 2 का वैल्यू 1 3 पावर 1 अपॉन x हो जाएगा, ओके ना। अब जब इसको 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अपॉन x आया, ओके। जब 4 अपॉन x आया तो मैंने क्या किया कि 4 से जो पहले, उसका पहले मैंने x वैल्यू लिया था, असाइन किया था मैंने x, मैंने असाइन किया था ना x log base 2 3 को, तो x x कैंसिल आउट हुआ, 3 पावर 4 मींस 81,
ओके तो ये मेथड होता है बनाने का। चलता हूँ इस क्वेश्चन पे, अभी कोई दिक्कत नहीं, जब इसको इसको फिर से रिमाइंड कर लेना वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ओके चलो, जब तक पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। देखो अब क्वेश्चंस को देखो एंड आंसर्स को देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत ही छोटा है, यानी एक एक टर्म में आंसर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का बहुत सारा प्रोसेस आपके पास है, आपके मैप के थ्रू जा सकते हो, फिर आप जा सकते हो कॉनिकल फॉर्म के थ्रू जा सकते हो ना, एसओपी पीओएस वगैरह फॉर्म से जा सकते हो, या नॉर्मली बूलियन अलजेब्रा वाला फॉर्म जो होता है उससे जा सकते हो, एक्सप्रेशन को जैसे सॉल्व करते हो। मैंने बताया भी था, एक मैंने एग्जाम्पल लिया था इस मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री के थ्रू आपको सॉल्व किया था, मैंने एक क्वेश्चन को मैंने तीन मेथड से सॉल्व किया था इसका थ्री वाले पार्ट में। ओके तो आप वहां से भी एक बार देख सकते हो, वरना चलो यहाँ इसको समझता हूँ मैं। ये क्या कर रहा है ना कि सिंपली इसको बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करना है, मतलब इसको कहने के मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का सिंपल तरीका आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा में एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, इसलिए मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले क्या काम करो कि मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट एंड सिमिलरली ए इंटू सी। ओके ना, फिर ये बचेगा अपने पास, सिमिलरली ये बचेगा, तो बस कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते चलना है। ओके चलो, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, कुछ माइंड में थॉट्स यहाँ पे जनरेट करना, उसके बाद मैं इसको एक स्टेप में आंसर दूंगा। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना कि ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये माइंड में रखना, सेकंड और तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, चलो ठीक है। फिर ए इंटू ए जो रहेगा, ए इंटू ए रहेगा वो हमारा ए ही रहेगा, एंड ए इंटू वन रहेगा तो हमारा सिंपली वन हो जाएगा। ओके ना, सॉरी ए हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना माइंड में, उसके बाद हम लोग चलते हैं एंड सिंपली देखते हैं। ओके चलो, अब मुझे ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स कॉल्ड जीरो हो गया, है ना, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जीरो हो गया, एंड ए इंटू सी मेरे पास बचा। यहाँ पे मुझे मेरे पास क्या बचा, इस पूरे टर्म को काटो, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास क्या सी ए सी बचा। ओके बस क्या करो, ए सी को इससे मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो फिर ये पहला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ओके ना, और फिर ये बचेगा ए सी सी, ए इंटू सी इंटू सी, दैट्स कॉल्ड ए सी बचेगा। ओके तो अभी ए सी बचा, फिर ए सी इस वाले प्रोटर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके ना, इस प्रोटर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपके पास एक्चुअली बच क्या रहा है, आपके पास एक्चुअली क्या बच रहा है मुझे वो दिखाना है। ओके ना, तो एक्चुअली मुझे वो चीज दिखाना। ओके ना, ये अपना ए सी हो गया, यानी उसके बाद नेक्स्ट टर्म बचा अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे, देखो यहाँ पर अपने पास ए बचा है ना, एंड जो नेक्स्ट पहला टर्म जो है ना वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो कहने की वो दोनों मिलेगा, यानी ए इंटू ए सी डॉट मल्टीप्लाई करोगे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, जब इससे मल्टीप्लाई कर तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पहला टर्म तो पूरा जीरो हो गया। सिमिलरली क्या करोगे, ए इंटू सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टोटल जो अपने पास रिजल्ट है जीरो प्लस जीरो मीन्स जीरो, जो ओवरऑल रिजल्ट है अपने पास जीरो है। तो देखो ये एक स्टेप में आंसर था, है ना, इसको आप रफली यहीं पे मैथ हाथ से करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे। ओके ना, ऑप्शन नंबर हमारा थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूरा सिंप्लीफाई करिए, ए बी प्लस ए बी सी बी प्लस सी, है ना, फिर उसके बाद बी एंड बी प्लस सी, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे, सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व करके मिल जाएगा। जैसे यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा, ए सी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से क्या मिलेगा, बी इंटू बी मीन्स बी मिलेगा, यहाँ से बी सी मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मुझे बी मिल रहा है एंड प्लस ऑफ बी सी मिल रहा है। ओके ना, फिर प्लस ऑफ यहाँ से क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है एंड प्लस ऑफ ए बी। ओके ना, यानी ये ए बी, ए बी मिलकर सिंगल ए बी बन गया, तो ए बी ए सी बी एंड बी सी। ओके ना, ये मिल रहा है। अब क्या करो, यहाँ पे कुछ कॉमन वन लेके उसको सॉल्व कर लो, तो अगर इन दोनों में से बी कॉमन लोगे, है ना, इन दोनों बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस सी बचेगा, एंड वन प्लस समथिंग इज इक्वल टू वन ही कहलाता है। ओके ना, ये अपना बी हो जाएगा। ओके, यहाँ से बी एंड ए बी एंड ए सी बचा, तो क्या रिजल्ट अपने पास बचा है, ए बी इधर बचा हुआ है एंड प्लस ऑफ ए सी बचा हुआ है। फिर क्या करो, इन दोनों में कॉमन ले लो। ओके ना, तो इन दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ से बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वन प्लस ए बचेगा। ओके, वन प्लस प्लस ऑफ ए सी, यहाँ से वन प्लस ए मीन्स वन प्लस समथिंग मीन्स वन कल आएगा एंड बी बच जाएगा। है ना, तो ए प्लस सॉरी बी प्लस ए सी अपना ये रिजल्ट हो गया इसको। ओके ना, ऑप्शन हमारा टू हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ओके ना, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कॉनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ द लॉजिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली, वो जो एसओपी फॉर्म होता है ना कॉनिकल में, वो कंसिस्ट करता है किसमें, मैक्स टर्म हो गया, मिन टर्म हो गया, सेल या फिर लेटरल में। ओके ना, तो जब अब मैंने कॉनिकल फॉर्म पढ़ाया था तो उसमें दो तरीके से इसको मतलब क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले कॉनिकल फॉर्म होता क्या, एक तरह का फुल्ली एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्विंग वगैरह करते हैं दो मेथड से करते हैं, पहला एसओपी फॉर्म एंड सेकंड पीओएस फॉर्म। जो एसओपी फॉर्म होता है ना, जिसे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, सिंपली क्या होता है, एक होता था सबसे पहला होता था सम ऑफ मिन टर्म,
सम ऑफ मीन टर्म, एंड फिर सेकंड होता था प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, ओके ना। अब इस सम ऑफ मीन टर्म को एसओपी कह रहा था हम लोगों ने, ठीक है ना, एंड इसको प्रोडक्ट ऑफ सम को पीओएस कह रहे थे, सिमिलरली इसको मैक्स टर्म भी कहते थे कभी कभी, मैक्स टर्म, एंड इसको कभी कभी मीन टर्म भी कहते थे हम, ओके। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा क्या पूछ रहा है कि एसओपी जो है ना क्या है, तरह का मीन टर्म है या मैक्स टर्म है, तो मीन टर्म अपना ऑप्शन नंबर हमारा टू, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि द मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, के मैप के थ्रू आपको उसको मिनिमाइज करना। देखो इसने बोला के मैप के थ्रू, ऐसा नहीं है कि के मैप के थ्रू मैं मिनिमाइज करूं, आप मे बी एक्सप्रेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको के मैप के थ्रू ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक डोंट केयर वाला कंडीशन दे रखा है, डी जो है ना डोंट केयर वाला कंडीशन दे रखा है। मैंने बोला था कि मैं एक दो क्वेश्चन लूंगा डोंट केयर वाले पे, आपको समझाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ओके ना। तो ये कितना, ये जो आपके पास जो क्वेश्चंस है, या क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले समेशन ऑफ एम देखो, सिग्मा एम को वैल्यूज देखो, सिग्मा एम क्या कहलाएगा, एसओपी, ओके ना। तो इसका वैल्यू देखोगे तो 15 तक, मैक्सिमम 15 तक लाई कर रहा है। जब इसका रेंज निकालोगे ना, रेंज जो जीरो से लेकर 15 तक जो रेंज होता है, ये किसका वैल्यूज कौन सा है, यानी फोर वेरिएबल्स का ही है, तो कहीं ना कहीं फोर वेरिएबल्स का के मैप मुझे बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फोर वेरिएबल का के मैप बनाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। ये फोर वेरिएबल्स का के मैप बन गया। अब मुझे अपने पास वेरिएबल क्या क्या होना चाहिए, ए बी, क्योंकि आंसर में जो दे रहा है ए बी सी डी दे रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी, ओके। इसका वैल्यू क्या होता है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलूंगा इसमें। ये क्या होता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड देन वन वन, सिमिलरली जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड देन वन वन, ओके ना। आपको इसका सेल्स का वैल्यूज को बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो पहला जो सेल है उसको यही कलर रहने दो, ये जीरो हो गया है ना, वन टू एंड देन थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन, नीचे चलेंगे एट नाइन टेन एंड देन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड देन फिफ्टीन। अब ये इस सेल्स का वैल्यू कैसे लिखते हैं, मैंने इसके वीडियो में बता दिया था, बस ये देख लो, यहाँ इस तरीके से असाइन करते हैं ना। ये हो गया जीरो 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 जीरो, मीन जीरो होता है कि जीरो जीरो एंड जीरो वन, पहला लिया एंड फिर इधर का पहला लिया था जीरो जीरो एंड जीरो वन, डेट्स कॉल वन होता है, फिर जीरो जीरो एंड वन वन थ्री हो गया, फिर जीरो जीरो एंड वन जीरो मीन्स टू हो गया, ओके ना। इस तरीके से हम लोग आसान करते हैं वैल्यूज को, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि जो सिग्मा एम है ना, ये एसओपी जो है ना, वो जीरो वन फाइव नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पे दे रखा है। इसका वैल्यूज को पहले यहाँ पे लो, जीरो वन फाइव नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन है ना, जीरो पे है तो लिखो जीरो पे, वन लगा तो एक जीरो वन नाइन फाइव है ना, वन नाइन नाइन हो गया एंड फाइव जीरो वन नाइन फाइव, और क्या है जीरो वन नाइन वन फाइव नाइन एंड थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन है, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, थर्टीन हो गया एंड देन फोर्टीन एंड देन फिफ्टीन, ओके ना, ये बनी है। अब हमारा बेसिकली एम क्या होता है, इसको ग्रुपिंग करना, लेकिन अपने पास कहने के एक तरह का ये भी दे रखा है, डाउन केयर वाला भी दे रखा है ना, जिसको हमको कंसीडर करना है या ना करना है वो ग्रुपिंग पे डिपेंड करता है, ग्रुपिंग करेंगे या ना करेंगे वो एक्चुअली वहां पर देख के पता चलेगा, ओके ना। तो जैसे डाउन केयर में क्या है, थ्री फोर सेवन टेन इलेवन, इन सभी को प्लेस करो यहाँ पर, थ्री फोर सेवन टेन इलेवन, ओके ना। तो यहाँ पे प्लेस करो थ्री फोर सेवन टेन इलेवन, थ्री हो गया, इसको ऐसा करूँ डाउन केयर को मैंने क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थ्री फोर सेवन 10 एंड 11, 10 एंड 11, ओके ना, डाउन केयर को मैंने क्रॉस से डिनोट किया, आप डी से भी डिनोट कर सकते हो, ओके ना, आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई से भी कर लो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्चुअली ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करने के लिए मुझे इसको यूज करना है, तो आपको मन जैसा करो, बस वो पहचान में आना चाहिए कि डाउन केयर वाला है एंड ये अपना नॉर्मली सम एसओपी वाला है, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, अब पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला ग्रुपिंग करना है मुझे, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर सा ग्रुप आ जाए, ओके। तो पहला जो ग्रुप बन रहा है, मैं इसको अलग कलर से, ये कलर है ना, सबसे पहला ग्रुप, फिर ऐसा कर रहा हूँ कि ये ना मैं ग्रुप से ले ले रहा हूँ, ओके, पहला ग्रुप, पहला ग्रुप देखो, वन मिनट वन मिनट, पहला ग्रुप ये अपना ये बन रहा है, ओके, फर्स्ट ग्रुप ये अपना बन रहा है, ओके ना, ये पहला ग्रुप बन गया। फिर सेकंड ग्रुप देखोगे तो यहाँ भी बन रहा है, ओके ना, सेकंड ग्रुप देखो तो यहाँ अपना सेकंड ग्रुप बन रहा है, हो गया। एंड देन थर्ड ग्रुप देखो, कुछ ये यहाँ बन रहा है बीच में, तो इसको अलग कलर से दे दो, इसको ले लो रेड कलर, है ना, एक ये यहाँ बन रहा है, ओके। टोटल अपने पास कितना, तीन ग्रुप आ गया, वन मिनट, ये टोटल जो है तीन ग्रुप अपना बन गया, ओके ना।
अब देखो इन ग्रुपों को देखो, इन ग्रुप्स को देखो, तो आपको इनसे ग्रुप्स का वैल्यूज को असाइन करना है। आपको पता कैसे वैल्यूज निकालते हैं? तो पहला इस वाले इसका वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, इसका वैल्यूज। ओके तो ये देखो सबसे पहले इधर की तरफ चलो, इसके सामने इस ग्रुप के सामने की तरफ मूव करो, सामने की तरफ, इसको अलग कलर से लियो। सामने की तरफ जब मूव करोगे इधर, तो क्या यहाँ पे कॉमन क्या है? वन वन दोनों तरफ कॉमन है ना, एक वन वन एक वन जीरो, ठीक है ना। तो पहला टर्म जो है यानी ए वाला वन एंड वन कॉमन दोनों तरफ है, तो क्या यहाँ पे वैल्यू लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा पहला तो ए हो जाएगा, एंड ऊपर की तरफ चलो, ऊपर में क्या कॉमन है? ये ऊपर फर्स्ट टर्म अपना कॉमन है, फर्स्ट वाला बिट कॉमन है ना, तो वन कॉमन है वो किसका है? वो सी है, तो अपना सी हो जाएगा, है ना। तो ए सी इसका वैल्यू हो गया। और मूव करो इसके लिए, करो ये वाला के लिए, इसको ये इधर की तरफ चलोगे इधर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऊपर की तरफ कंसिडर किया जाएगा। तो ऊपर में चलते, ऊपर में क्या, दोनों में क्या कॉमन है? जीरो वन एंड वन वन दोनों में क्या कॉमन है? वन कॉमन है, तो वन किसके लिए? डी के लिए साइन है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके सिंपली अगर इसकी बात करो तो इधर इस तरफ मूव करो, इन दोनों में कॉमन क्या है? जीरो कॉमन है, तो हमारा पहला टर्म ए हो जाएगा ना, पहला हमारा ए हो जाएगा, एंड ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जीरो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड ऊपर की तरफ देखो दोनों में क्या कॉमन है? जीरो कॉमन है ना, यहाँ पे जीरो एंड देन यहाँ पे जीरो, इन दोनों में जीरो, जीरो किसका वैल्यू है? सी का वैल्यू, सी को कॉम्प्लीमेंट करो, क्योंकि हम लोग वन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। तो देख लो ऐसा कहीं पे रिजल्ट दे रहा है क्या, वरना इसको और अच्छे से लिखो, और इसका क्वेश्चन को और अच्छे से असाइन कर रहा। जैसे यहाँ पर ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटू सी है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम वाले कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसको एग्जाम वाले कंडीशन में लिख दो, तो अपना हो जाएगा डी प्लस ए एग्जनोर एंड सी, ओके ना, एग्जनोर सी, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो ये अपना रिजल्ट हो जाएगा, एंड ये अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये वन हो जाएगा, ठीक है, डी प्लस ए एक्स नॉट सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक के मैप को डोंट केयर वाला कंडीशन को एग्जिस्ट करके उसको सॉल्व कराया। ओके ना, सिंपली क्या करते हैं कि डोंट केयर कंडीशन को यूज करेंगे या ना करेंगे वो ग्रुपिंग पे डिपेंड करता है। ग्रुपिंग बन रहा था यूज करो, नहीं बन रहा था उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो ना, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कोड्स इज यूज्ड फॉर लेबलिंग द सेल्स ऑफ द के मैप। के मैप को जब लेबलिंग करते हैं तो कौन से कोड्स को यूज करते हैं? जब मैंने स्टार्टिंग में के मैप पढ़ाया था तो वहां पर नॉर्मली मैंने बोला था कि जो हम लोग यूज करते हैं कोड्स को ग्रे कोड होता है। अब ग्रे कोड कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि ग्रे कोड हम लोग कैसे यूज करना है। मान लो सपोज मैंने ना एक ये बनाया, ऐसा कर लो मैंने एक ये बनाया, एक के मैप बनाया, ओके, एंड ये के मैप इसको और एड करो, फोर वेरिएबल्स का के मैप ले लो, ओके ना, फोर वेरिएबल्स का के मैप ले लो, ये हो गया। ओके अब इस फोर वेरिएबल्स का के मैप है, इसमें अगर देखोगे आप नोटिस करोगे तो क्या, और इसका जो वैल्यूज होगा ना, ये पहला क्या वैल्यू है, पहला अपना पहला वैल्यू जीरो वन फिर देन टू एंड देन थ्री है ना, फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन, मतलब एक तरह का नॉर्मली नंबर नहीं है, ग्रे कोड की तरह नंबर ये लिखा रहा है। जब ग्रे कोड आप पढ़ोगे ना, कन्वर्जन पढ़ोगे ग्रे कोड का, कन्वर्जन कुछ इसी तरीके से कन्वर्जन लिखते हैं ग्रे कोड का। फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एट हो गया, नाइन टेन एंड देन इलेवन ट्वेल्व 14 एंड देन 15, ओके ना। तो ये ग्रे कोड का जो सेल्स लेबलिंग करते हैं, ग्रे कोड की तरह लेबलिंग करते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्वेश्चन कि अ के मैप ऑफ थ्री वेरिएबल्स कंटेन द सेल्स, थ्री वेरिएबल से कितना भी सेल होगा। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू कितना, 2 की पावर n, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके तो अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स है, तो टू पावर थ्री मीन्स एट, टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स कितना होंगे, टोटल एट सेल्स दोनों। ओके तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर पता नहीं है तो कंफ्यूज कर जाओगे। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा के मैप के थ्रू ले रहा हूँ, यहाँ पे डोंट केयर का कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। एक सिंप्लीफाई करना, एसओपी दे रखा है अपने पास, फंक्शन ऑफ एफ ए बी सी डी दे रखा है, एंड एसओपी अपना कितना दे रखा है, जीरो टू थ्री सिक्स सेवन, एंड फिर डोंट केयर कंडीशन दे रखा है, एट टेन इलेवन फिफ्टीन। यहाँ पे एक्चुअली पता चल जाएगा कि देखो किसको यूज करना है ग्रुपिंग में, किसको ग्रुपिंग में यूज नहीं करना है। ओके ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक बना दे रहा हूँ कितने, फोर वेरिएबल्स का, तो एक फोर वेरिएबल्स का मैं यहाँ पे के मैप बना दे रहा हूँ। ओके चलो ये रहा, एक के मैप हो गया फोर वेरिएबल्स का, एंड देन उसके बाद इसमें क्या करो, ये रहेगा। ओके चलो सभी पे वैल्यू असाइन करो, वैल्यू असाइन करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एंड ये सी एंड डी, जीरो जीरो, या फिर डायरेक्टली मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लाओ जीरो 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 वन, लिख दे रहा हूँ इसको, जीरो 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 वन वन जीरो एंड देन वन वन, जीरो 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 वन वन जीरो एंड देन वन वन, है ना, वन एंड वन। ओके चलो अब जो क्वेश्चन ने बोला, क्या क्या क्वेश्चन ने बोला, इसका ये भी लिख दो, ये क्या है, इसका वैल्यूज क्या है, ये जीरो हो गया, वन हो गया, दो तीन चार पाँच
एंड देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 15, ओके ना। चलो यहाँ पर क्या है अपने पास, सबसे पहले किस पे दे रहा है, एसओपी किस पे दे रखा है, 02367, ओके। पहले 02367 पे करो, जीरो अपना हो गया, ये एक वन हो गया, 2367 है ना, 3367 कन्वर्ट, ये 3 नहीं है, हाँ ये 3, 3, 6 एंड देन 7, ओके। इतना भी अपना एसओपी दे रखा है। अब आगे पढ़ोगे आगे क्या दे रखा है, 8, 10, 11, 15 पे दे रखा है अपने को, डोंट केयर, 8, 10, 11, 15 है ना, 8 हो गया एंड देन 10 हो गया एंड देन 11 एंड देन 15, ओके। इतना दे रखा है, बस आपको क्या करना, आप यहाँ पे ग्रुपिंग करो एंड देखो किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना है, जो ग्रुपिंग से रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ पे नॉर्मली मिनिमाइज फॉर्म हो जाएगा। तो पहला ग्रुप करेंगे, पहला ग्रुप तो कॉर्नर साइड से होगा, देखो पहला ग्रुप कॉर्नर साइड से होगा, ये वाला 1, 2, 3 एंड देन 4, ये चार ग्रुप कॉर्नर वाले साइड से होगा, है ना। ग्रुपिंग मैंने बताया था ना किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, कॉर्नर साइड से ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, तो चारों साइड से कॉर्नर वाले ग्रुपिंग होंगी। इसका वैल्यू को असाइन करते हैं पहले, इसका वैल्यू कितना होगा, देखो इन सभी में देखो ऊपर की तरफ, इन सभी में ऊपर की तरफ देखो तो क्या रिजल्ट आएगा, अपना रिजल्ट आएगा ऊपर, देखो ऊपर की तरफ सबसे पहले इधर की तरफ चलो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 0 एंड 0, बी वाला कॉमन है ना, तो बी यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके ना, सेकंड टर्म कॉमन है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलो तो 0 वाला कॉमन है, इसको बी वाला कॉमन है तो डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है तो उसको टिक कर देना, नहीं तो फिर आगे की तरफ मूव करना, ऐसे मुझे दिख गया वो ऑप्शन उसको डायरेक्टली टिक कर देना, ओके ना। चलो अब चलते नेक्स्ट ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग फिर नेक्स्ट कहाँ पे करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी ग्रुपिंग बन रहा है, इसको ना अलग से डिनोट कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं कर रहा हूँ येलो से, ओके। तो ये ग्रुपिंग देखो यहाँ पर बनेगा, ये ग्रुपिंग कुछ यहाँ पे बन रहा है 4 का, ओके, ये रहा दिखा ये ग्रुपिंग, इसको ऐसा साइड कर रहा हूँ, ओके, एंड इसका वैल्यू इसको असाइन करो, तो ये जो वैल्यू होगा, अब देखो ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ क्या क्या है उसको आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इसको बनाता हूँ, ये रहा। तो ऊपर की तरफ देखो सबसे पहले ऊपर में क्या कॉमन है, तो सी वाला कॉमन है ना, यहाँ पे देखो ये 1 एंड 3 दोनों में कॉमन, तो ये क्या ये सी है तो सी हो गया, एंड इधर की तरफ चलो मूव करो, इधर की तरफ, इधर क्या है पहला टर्म जो है 0 कॉमन है दोनों में, अगर 0 किसके लिए, तो ए के लिए, ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अपना ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख दो एंड सी हो जाएगा, तो अपने रिजल्ट क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट है। बाकी जो भी ये है ना, ये वाला इन ये वाला, इसका कहीं पे यूज नहीं हुआ, तो यूज करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डोंट केयर वाले को यूज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 1-1 वाला है ना उसको यूज करना जरूरी है अपने को, ये वाला 1 नहीं, ठीक है ना, ये 1 जो है ना इसका नंबर असाइन किया गया, ओके। चलो ये हो गया सारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। तो क्वेश्चन को मैंने बताया आपको, एक ओवरव्यू दिया क्वेश्चन का, किस तरीके से पैटर्न होता है क्वेश्चन का, ओके। फिर मिलेंगे, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, एंड उसके बाद नया चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा कि आपका बुलियन अलजेब्रा फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद नया चैप्टर मे बी सिक्वेंशियल या फिर कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करके फिर डिजिटल को इन की तरफ मूव कराऊंगा, ओके ना, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।